महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे के पत्र पर भाजपा ने यहाँ हो रहे उपचुनाव में अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। राज ने उद्योग ग्रुप से उपचुनाव लड़ रही ऋतुजा लटके के लिए अपील की थी। इस अपील में राज ने कहा था कि ऋतुजा के दिवंगत पति रमेश लटके से उनके गहरे रिश्ते हैं, ऐसे में यदि उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार न उतारे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद भाजपा ने सीट पर अपनी दावेदारी छोड़ दी। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के लिए उपचुनाव में 796 लोगों ने वोटिंग की है। इनमें पीसीसी से 562 जबकि मुंबई के विशेष डेलीगेट्स के तौर पर 234 अधिकृत लोगों ने वोटिंग की है। महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे का भ्राता उद्धव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। यही वजह है कि राज के पत्र पर भाजपा ने एक्शन लेते हुए उपचुनाव में उद्धव गुट के खिलाफ उम्मीदवार वापस ले लिया। बता दें उद्धव गुट के विधायक रमेश लटके के निधन के बाद खाली हुई सीट पर अब शिवसेना ने उनकी पत्नी को टिकट दिया। राज ने लटके के प्रति अपने पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए सीट पर भाजपा के उम्मीदवार को खड़ा न करने की अपील की थी, जिस पर भाजपा ने एक्शन लेते हुए अब यहाँ से अपना उम्मीदवार हटा लिया। जसे मी नेहमी सांगत आले की माझे पती त्यांनी जे नेहमी जनसेवा केली, लोकांच्या कल्याणाचा विचार केला, तोच विचार मी करणार आहे आणि अंधेरीचा विकास हा माझा ध्यास असणार आहे। काही हिंदी बताली स्वप्न ती पूर्ण होतील आता असं वाटतंय का, कारण की बिनविरोध निवड होते आता? बिनविरोध पेक्षा जरी निवडणूक झाली असती आणि मी जिंकून आले असते या सर्वांच्या आशीर्वादाने, तर माझं तेच ध्येय असणार की अंधेरीचा विकास। हिंदी में बता दीजिए, भाजपा ने कहा है कि अपना उम्मीदवार वापस लेंगे, तो ऐसे पर आप निर्विरोध विधायक बन जाएंगी, क्या क्या भावना है आपकी, क्या कहना चाहेंगी इस भाजपा के निर्णय पर? भाजपा के या किसी जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और जिन्होंने बताया कि आप ये वोट निवडणूक बाय इलेक्शन बिन विरोध होना चाहिए, वो उन सबके मैं आभारी हूँ। उन सबका आशीर्वाद है, इसलिए तो बीजेपी सरकार ने ये बिन विरोध बाय इलेक्शन किया है। जी, आगे की आपकी भूमिका, ढाई साल जो काम समय मिलेगा, क्या आपका कामकाज का तरीका कैसे होगा, क्या लक्ष्य रहे लेकर चलेंगे आप जनता के बीच जाएंगे? मेरे पति उनका जो लक्ष्य था अंधेरी का विकास, वही मैं आगे लेके जाने वाली हूँ। अंधेरीच्या पोटनिवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीने मनाचा मोठेपणा दाखवला असं बोललं जात आहे आणि त्यांनी त्यांची मुरजी पटेल यांची उमेदवारी मागे घेण्याचं त्यांनी घोषित केलेलं आहे। परंतु एवढं करायचं होतं तर त्यांनी उमेदवारी अगोदरच मागे घ्यायला पाहिजे होती। एकतर श्रीमती लटके यांना राजीनामा त्यांचा लवकर न स्वीकारणं, त्यांना कोर्टाची पायरी चढायला लावणं, त्यांना त्या मनस्थापातून जायला लावलं, आपल्याच एका सहकार्याच्या पत्नीशी अशी वर्तणूक ही अशोभनीय होती आणि आता महाराष्ट्राची संस्कृती वगैरे पुढे करतायत। परंतु याच्यात त्यांनी दोन गोष्टी साध्य केल्या आहे, एक तर शिवसेना हे नाव गोठवण्याचं, दुसरं धनुष्यबाण हे आमचं चिन्ह गोठवण्याचं त्यांनी काम केलंय आणि हाच त्यांचा खरा हेतू होता। कारण एक सीट जिंकून आले किंवा नसते तरी त्यांना काही फरक पडत नव्हता, त्यांचं काही सरकार पडणार नव्हतं, परंतु हा सगळा एक कट होता जो त्यांनी साध्य केला। अर्थातच त्याला देर आहे, दुरुस्त आहे, उशिरा सुचलेलं शहाणपण असं म्हणता येईल, परंतु हे त्यांचं कटकारस्थान लोकांपासून लपलेलं नाही। देशभर में महाराष्ट्रसहित आज काँग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, जिसमें मुख्य मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। महाराष्ट्र से 796 मतदाताओं ने वोट डाले हैं। सुबह से शाम तक चले इस मतदान के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में 562 पीसीसी के लोगों ने मतदान, जबकि मुंबई के कांग्रेस कार्यालय में 234 डेलीगेट सहित कुल 796 कांग्रेसियों ने वोटिंग की है।